कंजूस बहू। रागिनी अपनी बड़ी बहू मीना और दो बेटों के संग रहा करती थी। रागिनी की बड़ी बहू मीना बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वो दिन भर अपने पति के साथ पैसे बचाने के पीछे पड़ी रहती थी। एक दिन, बेटी टूथपेस्ट नहीं लाई क्या बाजार से? माँ है तो टूथपेस्ट ये देखो। तभी मीना टूथपेस्ट के ट्यूब को कट करके उसमें से बचा हुआ टूथपेस्ट दिखाकर कहती है, अभी ये 3-4 दिन और चलेगा। बेटी इतने में दांत कैसे साफ होंगे? आपके तो टूथब्रश करने के बाद भी दांत साफ नहीं होते। हे भगवान, कितनी कंजूस बहू मिली है। मेरे छोटे बेटे की बहू अच्छी लाऊंगी मैं। वहीं कुछ दिनों के बाद रागिनी अपने छोटे बेटे की शादी सीना नाम की एक लड़की से करवा देती है। अब तो मेरे सारे अरमान पूरे करेगी मेरी बहू। फिर रागिनी खुश होकर अपने बेटे बहू की शादी में पैसे उड़ाने लगती है कि तभी उसकी बड़ी बहू जल्दी जल्दी सारे पैसे बीनने लगती है। अरे देखो देखो, सास पैसे उड़ा रही है और बहू ही पैसे लूट रही है। वहीं सभी रागिनी और मीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। हे भगवान, ये औरत तो हर जगह मेरी नाक कटाकर मानेगी। वहीं अगले दिन छोटी बहू सीना सास के लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे वाह, सुबह सुबह बहू के हाथ की चाय। तभी सास कप में देखती है तो थोड़ी सी ही चाय होती है। अरे बहू, चाय थोड़ी ज्यादा नहीं दे दी तुमने? है ना सासू माँ, ज्यादा हो गई है ना। लाइए दीदी के लिए भी इसी से निकाल लेती हूँ। हे भगवान, एक बहू कंजूस तो दूसरी मक्खी चूस। तभी मीना, माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए खीर बनाई है और मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। तभी मीना सीना की कटोरी में देखती है। ये क्या, ये तो इतना सा हलवा लाई है माँ जी के लिए, मैं क्यों इतनी खीर दूँ? ला बहू, पहले मैं खीर खाती हूँ। माँ जी लगता है मैं ज्यादा ही खीर ले आई हूँ, थोड़ी सी कम कर लेती हूँ। फिर मीना रसोई में जाकर खीर कम कर देती है। अरे ये बस इतनी सी ही खीर देंगी तो मैं क्यों इतना सारा गाजर का हलवा दूँ? थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। माँ जी मैं भी ज्यादा हलवा लाई हूँ, थोड़ा निकाल लेती हूँ। तभी सीना झट से रसोई में जाकर थोड़ा हलवा कम कर देती है। सासू माँ, खीर ना भी ज्यादा लग रही है, रुकी थोड़ा और कम कर देती हूँ। मम्मी जी रुको, मैं भी आती हूँ। और दोनों बहुओं के ऐसा करते करते अंतिम में कटोरी में एक चम्मच खीर और हलवा बचता है। हाँ अब ठीक है माँ जी। हाँ मम्मी जी, शुरू करो अब आप। अब क्या शुरू करूँ, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर सास गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, ये टमाटर तो सड़े हुए हैं। थोड़े बहुत सड़े हुए तो होंगे ना माँ जी, केवल 10 रुपए में मिले हैं। जब पता है कि सामान खराब है तो फिर लाई ही क्यों है? क्या मम्मी जी, आप भी कितना नौटंकी करती हैं, थोड़ी थोड़ी जगह से ही तो खराब है ये। वही कुछ समय बाद जब सास खाना खा रही होती है तो चावल में कीड़ा दिखाई देता है। छी 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 छी, ये कैसा चावल लेकर आई है? मम्मी जी ये सबसे सस्ता चावल था तो मैं लेकर आ गई। आपको तो मालूम है ना, आजकल कितनी लूट मचा रखी है बाजार में। क्या इसमें कीड़ा था, मैंने तो खा भी लिए ये चावल। छोटी बहू भाग के जाती है और उल्टी करके आती है। इन दोनों कलमुहियों का कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं कुछ दिनों तक बहुओं की कंजूसी झेलने के बाद सास एक तरीका अपनाती है और बाजार जाती है और अपनी दोनों बहुओं के लिए
गहने बनवा कर लेके आती है। देखो बाहू, ये मेरे पुश्तैनी गहने हैं, ये मैं तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ। मैंने दो पेटी जेवर एक सुरक्षित जगह पर छुपा कर रखे हैं। तुम दोनों में से जो भी मेरी सेवा करेगा मुझे खुश रखेगा। मैं मरने से पहले उसे ही सारे जेवर दे कर जाऊंगी। अब तो ये सारे गहने मेरे ही होंगे। नहीं नहीं, मुझे ही मिलेंगे। और उस दिन के बाद से दोनों बहुएं बिना कंजूसी किए अपने सास की दिल से सेवा करने लगती हैं और सास के सारे शौक पूरी करती हैं और सास मजे से रहने लगती है।